देखिए, जिंदगी पल पल बदलती है और बदलना ही जीवन है, और निरंतर चलते रहना, निरंतर परिवर्तन होना ही जिंदगी की कामयाबी है। लेकिन खास तरह से परिवर्तन हम फील करते हैं अपने बच्चों में जब वो बचपन से बड़े होने की तरफ आते हैं, यानी कि अपनी टीन एज में आते हैं। उस वक्त उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बदलाव आते हैं और उनका दबाव भी रहता है। साथ ही साथ आजकल की कॉम्पिटिशन की एज में पीयर प्रेशर भी बहुत होता है, यानी कि कुछ कर गुजरने की चाहत और इच्छाएं भी इसी उम्र में जागृत होती हैं। ऐसे में कोई छोटी सी बात बहुत बुरी लग जाती है, कोई छोटी सी बात बहुत अच्छी लग जाती है, यानी कि छोटी छोटी खुशियां और छोटे छोटे गम हमारे बच्चों को अक्सर तंग रखते हैं। तो क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे इस तरह के प्रेशर को आसानी से झेल जाएं? अगर हम उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे तो वो अपने दिल की सारी बातें हमें बताएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि कहीं हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि बच्चे अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, कि उनके पेरेंट्स हर हाल में उनके साथ हैं। ये सिक्योरिटी की भावना उनको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। लेकिन इसके अलावा इन सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर पाएँ कि बच्चा आपका मानसिक तनाव में ज़्यादा रह रहा है या उसके मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी परेशान, डिप्रेस या बहुत कठिनता से अपना जीवन निकाल रहा है, तो आप उसके सहायक बनिए और उसको आयुर्वेदिक औषधियों से उसका इलाज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन की ये अवस्था फिर उनको नशे और गलत रास्ते की तरफ भी अग्रसर करा सकती है। बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो मानसिक तनाव से मुक्त रखती हैं बच्चों को, जिसमें से खास है शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा। तो आप नियमित रूप से इन चीज़ों का प्रयोग करा के, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो आपके बच्चे की पढ़ाई में ज़्यादा हेल्प करेंगी, बच्चों के ब्रेन को ज़्यादा ताकत देंगी और उनको हेल्दी बनाएंगी हर तरह के प्रेशर को झेल पाने के लिए, तो आप अश्वगंधा का सेवन करा सकती हैं। अगर बच्चा अंडरवेट है तो आप अश्वगंधा पाउडर का यूज़ करा सकती हैं, एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। अगर बच्चे का वेट कम नहीं है, बच्चा थोड़ा सा ओवरवेट है, तो आप अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करा सकती हैं। इसी तरह से आप ब्रह्म रसायन या ब्राह्मी वटी की 4 गोलियाँ सुबह शाम दूध के साथ उसका सेवन करा सकती हैं, या शंख पुष्पी सिरप आप लेके उसको 2 चम्मच सुबह शाम पिला सकती हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। सभी के लिए सेम औषधियाँ हर तरह से काम करती हैं। बच्चे आराम से सोएं और आराम से सुबह जाके अगर स्कूल की या अपने कॉलेज की सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें तो ही वो ज़िंदगी में कामयाब होंगे, और तभी एक माँ भी कामयाब होगी अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। तो बच्चे भी ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ ना जाएं, मानसिक प्रेशर को अच्छे से झेल जाएं, उसमें उनकी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप सजग, अलर्ट और समझदार माँ बने, आयुर्वेद के साथ अपने बच्चों को स्वस्थ रखें।